क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी यहां भी एक्सेलरेशन दो तरीके का रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या हुआ, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है आपका, वी एक्स आई कैप प्लस वी बाय जे कैप, ये आपकी वेलोसिटी है। तो वी एवरेज, ए एवरेज क्या हो गया, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस वी बाय जे कैप अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ये हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। That is total change in velocity in x-axis direction upon total time interval. That is total change in y-axis, total change in velocity in y-axis direction upon delta. तो ये हो गया ax i cap plus ay j. Is it clear? समझ में आया बेटा? ठीक है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आया। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी का क्या चाहिए, डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बाद में करते हैं, पहले मुझे क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, कि एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चाहिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। यहां मैंने लिया वेलोसिटी और यहां लिया मैंने टाइम, ठीक है, और ये मेरी वेलोसिटी की, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, रैंडमली मैंने ले लिया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट क्यू। अब मैंने क्या बोला था कि मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होता है, उस पॉइंट पी पर या जो भी कर्व पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट मुझे क्या देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये मेरी वेलोसिटी हो गई, ये मेरी हो गई VP, और या इसको ले लिया V1, और ये मेरी हो गई V2, क्या हो गई V2। ठीक है, ये दो अलग अलग पॉइंट्स मैंने यहां लिए। अब मुझे क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, v2 माइनस v1 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 क्या होगा, डेल्टा v। प्रैक्टिकली क्या हुआ, ये v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा v, तो ये मेरा क्या हुआ, डेल्टा v बाय डेल्टा v। तो v2 माइनस v1 मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं यहां क्या यूज करूंगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है मुझे। v2 माइनस v1 क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए कोई बताएगा कैसे करना है, देखिए इस ग्राफ को थोड़ा सा और क्लियर आउट करने के लिए, मैं मुझे एक्चुअली डेल्टा वी की डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी वही मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी। ये वेलोसिटी है और ये वाई, ये एक्स पोजिशन,
ठीक है, ये पॉइंट पी ले लिया और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट पी, ठीक है, इस तरीके का कर्व ले लिया, ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी बी वन हो गई और ये मेरी वेलोसिटी बी टू हो गई। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा बी विच इज इक्वल टू बी टू माइनस बी वन। तो क्या करना है, ये बी टू, बी टू के देखिए ये बी वन है, यहां से ऐसा कैसा यहां रख दिया और इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी, ये क्या हो गया माइनस बी वन। देखिए क्या किया मैंने, ये जो वेक्टर था इस वेक्टर को ऐसा कैसा इस एंगल पे उठाया और यहां रख दिया, डायरेक्शन उल्टी कर ली, ये माइनस बी वन। अब टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू नॉन जीरो वेक्टर इन अ सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैंने ये एक्सटेंड किया और तो ये हो गया मेरा डेल्टा बी, क्या हो गया डेल्टा। मैंने क्या किया, ये V2, ये V1, मतलब ये जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में था बस वैसे के वैसे उसी एंगल पे उठाया और अपोजिट रख दिया, तो ये हो गया V2 माइनस V1, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू नॉन जीरो वेक्टर इन द सेम ऑर्डर, V2 प्लस माइनस ऑफ V1, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर, देन डेल्टा। तो ये मेरी डेल्टा V की डायरेक्शन है, तो ये मेरी किसकी डायरेक्शन होगी, एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन हो गई एवरेज एक्सीलरेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा चेंज इन वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन होगा। सो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का है, जो डायरेक्शन डेल्टा वी का है, वही डायरेक्शन मेरा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का रहेगा। इज इट क्लियर, समझ में आया एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे आएगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड एवरेज एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में आपका एवरेज एक्सीलरेशन रहेगा। Is it clear? Yes, sir. कृषा मैत्री बेटा समझ में आया, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफिकली समझना ज्यादा जरूरी है, थ्योरेटिकली आप समझ में आया। Yes, sir. मैत्री समझ में आया बेटा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आज, ये टॉपिक एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये टॉपिक टेक्स्ट बुक के अंदर आप आज वापस रिवाइज करेंगे। जो आपको डायग्राम दिए हुए हैं वो डायग्राम आप वापस अच्छे से देखेंगे, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वापस कल मुझे को पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, ये जो डेल्टा वी है इसको धीरे 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 क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा, क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूं, वेट इन मिनट।
सो अब नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. देखिए हमने एवरेज एक्सेलरेशन क्या बोला, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. व्हेन दिस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. तो ए इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, दैट इज डीवी बाय डीटी. क्या हो जाएगा, डीवी बाय डीटी. सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. व्हेन दिस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बता हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं, जो सेकंड वेलोसिटी वेक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर के नियर लेके आ रहे हैं, टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर रहे हैं. तो क्या हुआ, देखिए अब ये इंस्टेंटेनियस का एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी बाय बाय डेल्टा टी जे कैप. ये हमारा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी का एक्सप्रेशन था. यहां मैं अप्लाई कर लूंगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी वाय बाय डेल्टा टी जे कैप. तो ये हो गया डी वी एक्स बाय डी टी प्लस ये हो गया डी वी वाय बाय डी आई कैप और ये जे कैप. तो इसको हम बोलेंगे ए इंस्टेंटेनियस इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाय जे कैप. अब देखिए अब कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन में भी लिखा तो सर ने ए एक्स आई कैप था ए वाई जे कैप था, लेकिन वहां ए एक्स क्या था, डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी और यहां ए एक्स क्या है, डी वी एक्स बाय डी टी. तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है, ये आपका एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट. वेलोसिटी कंपोनेंट को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या आया था, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या आएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. और डायरेक्शन क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई सॉरी ए वाई अपॉन ए एक्स. क्या आएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स. ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? यस सर. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन. क्या करनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो. ठीक है, तो देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं और उस ग्राफ से आपको चीज क्लियर करूंगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे आपका डिक्रीज हुआ. Direction of instantaneous acceleration. ठीक है, देखिए पहले मैं आपको डेल्टा वी का डायरेक्शन बताऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था उसी का. एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, ये बी, ये क्यू. ठीक है, अब पी पर आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ये आपका वेलोसिटी, ये आपका वी वन,
या आप वी लेना चाहे तो वी, ठीक है। और पॉइंट क्यू पर या ये आपने क्या ले लिया वी डैश, इसको क्या ले लिया वी डैश। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये वेक्टर जो है ना, ये वाला ये वेक्टर मैंने एज इट इज उठा के ऐसे रख दिया, क्या रख दिया ऐसे। तो देखिए ये वेक्टर v डैश था, ये वाला v डैश, और इसको उठा के ऐसे इस तरफ रख दिया, ये हो गया वेक्टर v। तो ये मेरी हो गई डेल्टा v, ये डायरेक्शन किसकी हो गई डेल्टा v। वो जो एरो पिछली बार मैंने नीचे बनाया ना वैसा ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं क्योंकि स्लोप चेंज हो गया ना। ये देखिए ये वाला जो ये है v डैश और ये है मेरा उसी डायरेक्ट उसी स्लोप पर, ऐसे उठाया यहां से और यहां रखा, तो ये ऐसे रख दिया यहां पे, ये हो गया मेरा, ये हो गया बी डैश, ये हो गया बी और ये मेरी डेल्टा बी। कैसे लिखा ये, इसी को डेल्टा बी क्यों बोला मैंने, देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू नॉन जीरो वेक्टर इन अ सेम ऑर्डर, then third side represent their resultant in opposite order। ये मेरी v की direction, v plus delta v is equals to v dash। तो delta v क्या हो जाएगा v dash minus v। तो ये vector difference आ गया, ये v2 minus v1। तो delta v किस direction में आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना delta v, तो ये ही मेरी direction किसकी हो जाएगी acceleration। जो direction मेरी डेल्टा वी की है वही डायरेक्शन मेरी किसकी हो जाएगी एक्सेलरेशन की हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया बेटा। तो इस ग्राफ के लिए मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगी मेरी डायरेक्शन ऑफ ए। ये नीचे मैंने ग्राफ में आपको डेल्टा जो मेरा डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा वही मेरा ए का डायरेक्शन होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्यू को यहां था, अब क्यू को यहां लाऊंगा, फिर क्यू को यहां लाऊंगा और फिर क्यू को यहां ले आऊंगा। क्यू को धीरे 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 मैं क्या कर रहा हूं, नजदीक लेके आ रहा हूं। तो क्या होगा, जैसे आप क्यू को नजदीक लाएंगे तो होगा क्या, आपका जो डिस्प्लेस ये जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है ये छोटा होता जाएगा, क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा। अब मैंने क्या किया अलग, अब ये क्यू जो था ये क्यू मैं यहां ले आया, तो भाई ये हटाया ऐसे, एक ही ग्राफ में बता दे रहा हूं। अब ये Q जो है ये हटा के मैं यहां ले आया, तो भाई अब इसका वेलोसिटी वेक्टर ये ड्रॉ किया, ये आ गया V डैश। तो अब क्या होगा, ये भाई V डैश और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो था ना इनिशियल वाला, ये उठा के बस आपको यहां रखना ही, तो ये रख दिया मैंने यहां पे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोटा हो गया, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर छोटा हो गया। अभी भी ये डेल्टा वी की डायरेक्शन, तो ये आपकी डेल्टा ए की डायरेक्शन, तो ये डेल्टा ए डेल्टा वी की डायरेक्शन ये है, तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही हो जाए, तो ये आपकी क्या हो गई ए की डायरेक्शन। ये डेल्टा वी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी ए की डायरेक्शन, तो ये अगेन आपका क्या आ गया डायरेक्शन ऑफ ए, क्या आ गया डायरेक्शन ऑफ ए। आया समझ में बेटा, ठीक है। अब मैं इस क्यू को उठा के यहां ले गया, ये पॉइंट बी है और क्यू मैं और नजदीक ले आया, क्यू यहां ले आया, ठीक है। तो अब पोजीशन वेक्टर ये भी और ये भी डैश, ठीक है। अब ये भी और ये भी डैश और डेल्टा भी छोटा हो गया, ये डेल्टा भी, ये भी डैश, ये भी, तो अगेन
मेरा डेल्टा वी की जो डायरेक्शन है वही मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनेगी। और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैं क्यू को उठा के यहां रख दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, क्यू को पी से कंसाइड कर दिया, क्यू को क्या कर दिया, पी से कंसाइड कर दिया। तो अब लास्ट डायग्राम कि क्यू इज कंसाइड विद पी, ये पॉइंट पी, यही क्यू, तो वेलोसिटी क्या हो गई, ये वेलोसिटी वेक्टर, और ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो 2D के अंदर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट, इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो टेंजेंट आपको क्या देगा, V की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। और ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एक मेजर पॉइंट है, मेजर क्यों है, क्योंकि 1D के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि 1D के अंदर आप देखिए 1D के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन 2D के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इज इट क्लियर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और एक्सेलरेशन जो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया। बेटा कितना समझ में आया आप लोगों को, कृषा मैत्री अंश बेटा समझ में आया, ठीक है। तो यहां हमने क्या चीज डिस्कस करी कि डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट रहेंगे जब मोशन इन 2D होगी, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट रहेंगे और एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, दो कंपोनेंट, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2D, इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन 2D। 1D के अंदर हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट यहां पर क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है और एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट है। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, देखिए u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u के दो कंपोनेंट ux और uy,
इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ux और uy, फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे vx और vy, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ax और ay, और डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे x और y। तो हर एक पैरामीटर के दो कंपोनेंट हो गए। तो अब x एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन vx is equal to ux plus axt, v is equal to u plus at था, तो vx is equal to ux plus axt, और y एक्सिस में क्या हो जाएगी, vy is equal to uy plus ayt। फिर अब x एक्सिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है x, तो x is equal to uxt plus half axt square, और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा y, दैट इज uyt plus half ayt square। क्या कह रहा है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, vx square is equal to ux square plus 2ax into x, ax acceleration in x axis direction और x है displacement, और यहां हो जाएगा vy square is equal to uy square plus 2ay into y। ये सबस्क्रिप्ट में है जो कंपोनेंट बता रहा है एक्सेलरेशन का, ये x axis कंपोनेंट है, ये y axis कंपोनेंट है acceleration। तो ये तीन इक्वेशन x axis direction में हो जाएगी, ये तीन इक्वेशन y एक्सिस डायरेक्शन में होगा, और इनको हम बोलेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन या इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2D, क्योंकि मोशन इन 2D क्या बोला जाता है, मोशन इन अ प्लेन। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इन इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 2D से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, मोशन पैरामीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, चलिए, बाय। यस सर।